हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका विद फरहत। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी जो बच्चों बड़ों सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको पनीर चिली ब्रेड स्टिक्स की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ईजी रेसिपी है और बिल्कुल बेकरी जैसा बनकर ये तैयार होगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से क्लिक कर दीजिए बेल आइकन पे ताकि आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो पनीर चिली ब्रेड स्टिक बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे डो। तो डो बनाने के लिए मैंने लिया है मैदा 1.5 कप। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच ऐड करेंगे इसमें हम नमक। यहाँ पे मैंने लिया है इंस्टेंट ड्राई यीस्ट, ये मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे 1 छोटी चम्मच। 2 छोटे चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून ऑयल। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और इसका हम एक स्मूथ सा डो बना लेंगे। डो बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है हल्का गुनगुना पानी। थोड़ा पानी डाल के हम इस डो तैयार करना है। ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने इस तरह से इकट्ठा कर लिया है। अभी ये स्टिकी है, अभी इसे हमें किचन काउंटर पे निकाल कर और इसे अच्छे से नीट करना है जब तक कि इसका चिपचिपापन ख़त्म नहीं हो जाता। 3 से 4 मिनट हमें इसमें लगेंगे। तो उसके हम थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर लेते हैं और इसे अच्छे से हम नीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल स्मूथ सा डो बना है हमारा। इस तरह से इसे हम राउंड कर लेते हैं। वापस इस बाउल में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, अच्छे से ग्रीस कर लेंगे इसे। डो रख लेंगे अपना, उसके ऊपर भी हम ऑयल लगा लेंगे। कवर कर देंगे इसे हम क्लिंग रैप से या फिर किसी भी प्लेट से आप इसे ढककर रख सकते हैं। इसे हम रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए जब तक कि हमारा डो अपनी क्वांटिटी के डबल होकर राइज नहीं हो जाता अच्छे से। और अगर आप चाहते हैं कि आप डो किस तरह से बनाएं और आपका अच्छा डो किस तरह से तैयार हो और काफ़ी अच्छे से राइज हो तो आप इसका बहुत सारा टिप्स और ट्रिक्स देख सकते हैं मेरे पिज़्ज़ा वाली रेसिपी पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब तक हमारा डो राइज हो रहा है तो हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। पैन में हम यहाँ डालेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल हमारा यहाँ अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच कटा हुआ अदरक, 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन और 1 हरी मिर्च कटी हुई। तीनों चीज़ों को हम इसमें ऐड कर देते हैं, सौते कर लेते हैं कुछ सेकंड के लिए। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा प्याज इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में कटा हुआ। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे ताकि प्याज का कच्चापन निकल जाए। हमें ब्राउन नहीं करना है प्याज को, बस इस ट्रांसलूसेंट हो जाना चाहिए प्याज हमारा। प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 कटा हुआ शिमला मिर्च और इसे भी हम हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भुनेंगे। इसके साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे अब 2 चम्मच टोमेटो केचप, 1 चम्मच ऐड करेंगे हम सोया सॉस। इसके साथ ही मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच सेजवान चटनी। अगर आप सेजवान चटनी नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच विनेगर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। नमक बहुत ही ध्यान से ऐड कीजिएगा क्योंकि सॉस में भी नमक होता है। 1/4 चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम काली मिर्च का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। हमारा सॉस यहाँ बहुत ही अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कॉर्न स्टार्च की स्लरी। यहाँ पे मैंने 1/2 छोटे चम्मच कॉर्न स्टार्च को 1 बड़े चम्मच पानी में घोलकर तैयार किया, ये इसमें हम ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 200 ग्राम पनीर इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा हुआ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को ताकि पनीर पर सारे मसालों की कोटिंग आ जाए अच्छे से। हमारी फीलिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे रख देते हैं हम साइड में। तो हमारा डो भी यहाँ बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं राइज हो चुका है। कवर हटा देते हैं इसका हम।
पंच कर लेते हैं इसे ताकि जो भी एयर है निकल जाए। एक से दो मिनट के लिए वापस से गून लेंगे। ये हो गया, इसे हम निकाल लेते हैं अपने किचन काउंटर पर। उसे हम रोल कर लेंगे इस तरह से, पांच टुकड़ों में हम इसे कट कर लेंगे बराबर टुकड़ों में। तो सारे यहाँ बॉल्स मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, साइड में रख देते हैं इन सबको। एक बॉल मैंने यहाँ लिया है, इस पर हम डस्ट करेंगे थोड़ा सा सूखा मैदा और इस तरह से हम इसे रोल करेंगे। ये देखिए, मैं इस तरह से रोल करना है इसे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इतना लंबा इसे रोल किया है। अब इसे हम हल्के हाथों से इस तरह से फैलाएंगे और इसके बीच में हम इस तरह से ऐसे करेंगे। इस तरह से हमें अपने हथेली से इस तरह से बीच में इसमें हमें स्पेस बनाना है, थोड़ा सा गड्ढा हम करते जाएंगे इस तरह से। देख सकते हैं आप, इस तरह से हम बनाना है। फिर इसे अब हम उठा कर रखेंगे इस तरह से एक बेकिंग ट्रे पे। ये देखिए, मैंने रख दिया है बेकिंग ट्रे पे और इसे ऑयल से मैंने ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर हम डालेंगे अपने पनीर की फिलिंग इस तरह से। अच्छे से इधर से हम हल्का शेप दे देंगे, हल्का सा उठा कर। हम सारे इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे स्टिक्स इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट में, उसके बाद हम इसे बेक करेंगे। तो ढक देते हैं इसे हम किसी भी किचन टॉवल से। तो 10 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं हम। ये देखिए, वापस से राइज हो गया हमारा। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। अब इसके किरानों पर हम थोड़ा सा बटर ब्रश कर लेंगे। तो हमारा पनीर चिली ब्रेड स्टिक बिल्कुल तैयार है जाने के लिए अवन में। इसे मैं बेक करूंगी 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनटों के लिए। अगर आप चाहें तो इसे पतीले या कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। पतीले या कढ़ाई में अगर आप बेक कर रहे हैं तो इसे लो फ्लेम पे आप बेक करें 25 से 30 मिनटों के लिए। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये बेक हो चुका है। फिर किनारों पर एक बार फिर से हम हल्का हल्का ब्रश कर देंगे बटर ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट रहे। ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए, तो हम सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारा पनीर चिली ब्रेड स्टिक्स बनकर बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है हमारा ब्रेड। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।